हेलो गाइज, वेलकम टू फार्मेसी इम्पैक्ट। इस रूम में हम बात करने वाले हैं अपोलो हॉस्पिटल्स के रिगार्डिंग। अपोलो हॉस्पिटल में आप फार्मासिस्ट की जॉब के लिए कैसा अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी क्या रह सकती है, इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ड्यूटी टाइम क्या रहने वाला है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर अपोलो हॉस्पिटल्स के बारे में बताइए, उसमें फार्मासिस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, पूरी कंप्लीट डिटेल्स बताइए। तो आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो कहीं तक जरूर देखेगा। और जो बच्चे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो में सर लेकर आता रहता हूँ फार्मासी रिलेटेड, फार्मा वैकेंसी रिलेटेड। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जॉब नोटिफिकेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। जॉब के बारे में आपको कैसे पता पड़ेगा कि हॉस्पिटल में वैकेंसीज निकली हुई हैं या नहीं, तो देखिए अपोलो हॉस्पिटल की बात करें तो देखिए आप इसमें ऑनलाइन नोटिफिकेशन जो है नहीं आता है, और आप ऑनलाइन अप्लाई भी नहीं कर सकते, आपको जो है ऑफलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। ऑफलाइन आपको जाना है, जिस अपोलो हॉस्पिटल में आपको अप्लाई करना है उस हॉस्पिटल में आप जाइएगा HR डिपार्टमेंट में रिज्यूम लेकर, वहाँ से आप जो अपना रिज्यूम सबमिट कर सकते हैं, वहाँ जाकर आप इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन का ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं अपोलो हॉस्पिटल्स का, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लें हाउ टू अप्लाई, तो हाउ टू अप्लाई मैंने आपको बता दिया है कि आपको ऑफलाइन जाकर ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन रिटेल फार्मेसी जो है अपोलो फार्मेसी की, उसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अपनी लोकेशन को चूज़ करके किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अपोलो हॉस्पिटल्स में जो है आपको ऑफलाइन ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें अप्रोक्स सैलरी क्या हो सकती है फार्मासिस्ट की, देखिए अलग अलग हॉस्पिटल्स का अपने एक सैलरी का मिनिमम क्रिटेरिया होता है कि इतनी सैलरी जो है मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। अपोलो हॉस्पिटल या मैक्स हॉस्पिटल की बात करें तो देखिए मैक्स हॉस्पिटल में एक स्पेसिफिक सैलरी होती है, अगर आप फ्रेशर हैं तो उसमें 18 से 22 हज़ार रुपये सैलरी मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। इसी तरीके से अपोलो हॉस्पिटल में भी है, ठीक है। फार्मासिस्ट के लिए डी फार्म अगर आपने कर रखा है, बी फार्म कर रखा है, एम फार्म कर रखा है, तो अलग अलग सैलरी होती है। तो मिनिमम सैलरी की बात करें तो देखिए 18 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी आपकी हो सकती है। नेक्स्ट बात करें तो वर्किंग टाइम क्या रहता है, तो देखिए 3 शिफ्ट में आपको वर्क करना पड़ेगा हॉस्पिटल में, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट, ठीक है। और ये 9 घंटे की ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी, सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगी आपकी मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है, फिर देन 11 से 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगी 8 बजे तक रात को, और फिर नाइट शिफ्ट स्टार्ट होगी रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक, यानी कि जो आपकी नाइट शिफ्ट है उसमें आपको 12 घंटे का काम करना पड़ेगा, और बाकी जो मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट उसमें आपको 9 घंटे काम करना पड़ता है। तो ये वर्किंग टाइम है अपोलो हॉस्पिटल्स का। अपोलो हॉस्पिटल्स का ही नहीं, किसी भी हॉस्पिटल्स में आपको इसी तरीके से वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फार्मेसी में क्या वर्क करना पड़ता है, देखिए जो भी एक रिटेल फार्मेसी में करना होता है वही सारा काम जो है आपको अपोलो हॉस्पिटल्स की जो फार्मेसीज होती हैं उसमें जो है आपको करना पड़ेगा। कस्टमर्स को आपको हैंडल करना पड़ेगा, कस्टमर्स का डाटा आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, डिस्पेंसिंग करनी पड़ेगी मेडिसिन की, ठीक है, इन्वेंट्री आपको करनी पड़ेगी, स्टॉक के लिए आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, एक्सपायरी डेट्स आपको निकालनी पड़ेगी, जो एक्सपायरी डेट्स की मेडिसिन है उनको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। आपको फार्मेसी को मेनटेन रखना पड़ेगा, जितने भी फार्मेसी का वर्क है वो सारा आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है, इंटरव्यू के क्वेश्चंस में क्या पूछा जा सकता है, तो देखिए रिटेल फार्मेसी का जो होता है उसमें तो कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन जब आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल्स में, चाहे अपोलो फार्मेसी हो, मैक्स हो, ठीक है, मेदांता हो, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके सिलेबस से रिलेटेड, जैसे एंटीबायोटिक क्या होगी, फार्माकोलॉजी क्या होगी, फार्माकोडायनामिक्स क्या होगी, ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन एक वीडियो मैंने बनाई थी फार्मासिस्ट के लिए, उसमें लिखा होता फार्मासिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर, वो वीडियो मैंने अपलोड करके, और सारे ही क्वेश्चन जो है उसी में से आपको पूछे जाएंगे, चाहे आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो या रिटेल फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है, क्वेश्चन आपसे उसी में से पूछे जाएंगे। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के बारे में दे दूंगा, वहाँ से जाकर सारे क्वेश्चन आप जो है याद कर लीजिएगा इंटरव्यू देने से पहले। तो ये कुछ डिटेल्स थी अपोलो हॉस्पिटल्स के बारे में, तो जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर कुछ और डाउट्स रह गए हैं तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और अगर आपको किसी भी और टॉपिक पर वीडियो चाहिएगा तो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।